वरुण राइट या सॉरी तब बात नहीं कर पाया इट्स ओके बता सकते हो किसने आपको रेफर किया डॉक्टर राम के पास काउंसलिंग के लिए गया था उन्होंने ही आपका कार्ड दिया था और इस इवेंट के बारे में भी उन्होंने बताया तो पापा ने रेफर किया था ओके पापा या डॉक्टर राम इज माय डैड रियली या आई जस्ट कांट बिलीव दिस व्हाई इज दैट पापा यू नो ही इज ऑलवेज माय ह्यूज सपोर्ट ही हैज बीन अ बैकबोन ऑफ ऑल इवेंट्स इट्स ग्रेट ओके सो दिस इज योर फर्स्ट टाइम राइट इवेंट कैसा लगा इट वॉज रियली इंस्पायरिंग अब मैं पहले से बहुत खुश हूँ अच्छा मैं ही हूँ ऐसा सोचकर मैं बहुत डिप्रेस था लेकिन अब बाकी लोगों को देखकर इट्स अ ग्रेट फीलिंग नाइस और हाँ यू आर सच अ इंस्पिरेशन क्या बोलते हो आप सबकी आंखें आप पर ही थी नो 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 दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू बट थैंक यू बाय द वे या आप कहना छोड़ो यू नो यू जस्ट कॉल मी कार्तिक नो फॉर्मेलिटीज या ओके यू टू रियलाइज दैट वी आर ऑल हियर टू सपोर्ट यू यू आर नॉट अलोन या कैसे आए हो बस या बाइक से ऑटो ऑटो या तुम्हारा घर कहाँ है किस एरिया में एग्जैक्टली किस तरफ ऑलमोस्ट हम कोस्टल टाउन के एक्सटीरियर में है यहाँ से थोड़ी दूर है लगभग 20 किलोमीटर होगा तो वो मिनी बीच मिनी आइलैंड एरिया में ना या एग्जैक्टली आई ऑलवेज वांटेड टू गो देयर यू शुड टेक मी देयर सम टाइम किस कॉलेज से हो आई एम स्टडिंग इन कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज सेकंड ईयर आईटी तुम एआरएम आर्ट एंड साइंस मास मीडिया फर्स्ट ईयर ओह दैट्स नाइस जस्ट वन सेकंड सो वरुण आई विल ड्रॉप यू समवेयर या या श्योर कम देखा था हमने देखा था ना अरे वो तो बस कैजुअली बात की थी फ्रॉड कहीं का माया टाइम बहुत हो गया हाँ हाँ चलो चलते हैं चलो ए संभल कर बाय मॉम आइए ना आइए ना आंटी आइए ना नहीं तुम लोग जाओ बाय माँ और पापा फर्स्ट टाइम इसी बीच पर मिले थे दोनों के लिए ये बीच बहुत स्पेशल है आफ्टर मैरिज यहीं पर सेटल हो गए हमेशा की तरह पापा एक बार स्विम करने गए थे उसके बाद वो वापस नहीं आए बॉडी भी नहीं मिली लेकिन मेरी माँ मानती है कि वो अभी भी जिंदा है और एक दिन वो जरूर वापस आएंगे उसी दिन इस पानी में पैर रखूंगी इसी जिद पर अड़ी हैं हमने उन्हें कई बार समझाया अगर आज मेरे पापा जिंदा होते तो ए छोड़ ना यार सब ठीक हो जाएगा भाई तू टेंशन मत ले हम सब तेरे साथ हैं तो अब चले हम लोग चल चल सारू मुझे ड्रॉप कर देगा ठीक है छोड़ दूंगा कार्तिक हाय वरुण आओ बेटा बैठो कैसे हो हाँ ठीक हूँ डॉक्टर हे मैं यहाँ ना तो डॉक्टर हूँ ना ही मेरा क्लिनिक है तुम मेरे बेटे के फ्रेंड हो तुम मुझे अंकल बुला सकते हो कार्तिक 10 मिनट में आने वाला है सो आई विल वेट हियर प्लीज वेट क्या पियोगे समथिंग हॉट और कोल्ड नहीं अंकल मैं अभी खाना खा के आया हूँ लेटर देन तुम्हारा इवेंट कैसा रहा सच में बहुत खुश हूँ अंकल Nice. ये सोचकर मैं बहुत ही कंफ्यूज था अब जाके नॉर्मल हुआ हूँ दैट्स गुड सो बताओ आपके जैसा पापा पाकर कार्तिक बहुत भाग्यशाली है अंकल इट्स नॉट ट्रू इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड नाउ दैट यू नो माय सन इज गे आई कैन शेयर फ्यू थिंग्स विद यू हाँ बताइए ना अंकल मुझे भी इस एलजीबीटी के बारे में जानकारी नहीं थी मैं बस एक साइकेट्रिस्ट ही था
मेरा बेटा गे है ये जानने के बाद ही मुझे इसकी डीप नॉलेज मिली। ठीक ऐसे ही एक बार कार्तिक मेरे पास आया और मुझे अपने बारे में बताया। LGBT क्या है, वो गे है ये उसने कैसे रियलाइज़ किया, सेक्सुअलिटी इज़ नॉट बाई चॉइस के नाम पर उसने क्लास ले डाली। उसी वजह से आज मैं एक अच्छा बाप और अच्छा साइकेट्रिस्ट हूँ। एक्चुअली आई एम लकी टू हैव हिम एज माई सन। हाई वरुण, अरे लो, आने में थोड़ा लेट हो गया। माँ दिस इज़ वरुण, मैंने बताया था ना। हाय आंटी। अच्छा वरुण, मुझे थोड़ा बाहर काम है, मैं चलता हूँ। ए चाबी दो। ये लो पापा। वो जगह तो काफी दूर है वरुण, वहां अकेले कैसे रहते हो? मेरी माँ स्कूल में प्रिंसिपल है आंटी, स्कूल वहीं पास में ही पड़ता है, और पापा का वो फेवरेट हाउस है, इसलिए पापा के गुजर जाने के बाद वहां से हमें शिफ्ट करने का मन ही नहीं किया। वी जस्ट लव द प्लेस आंटी, सो हमें आदत हो गई है। ओ, तुम घर में अकेले हो वरुण? हाँ आंटी, मेरा एक कजिन है, वो 9th class में पढ़ता है, उसकी माँ नहीं है इसलिए वो बचपन से हमारे साथ में ही रह रहा है। मेरी माँ और उसके पापा ट्विन्स हैं, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, इसलिए मेरी माँ उसे अपना बेटा मानती है। ओ। खाना कैसा लगा वरुण? अच्छा तो लगा ना? बहुत अच्छा है आंटी। तुम सच भी बता सकते हो वरुण की खराब है, माँ बुरा नहीं मानेगी। ये तो ऐसा ही है, जब देखो मेरे खाने में कमी निकालता रहता है। सच ही तो कह रहा हूँ माँ, पता नहीं कब अच्छा खाना बनाना सीखोगी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेरे साथ जो लड़का रहेगा वो अपनी किस्मत को कोसेगा। मैं अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से खाना बनाना सिखा दूंगा, यू डोंट वरी माँ। मैं भी देखती हूँ। देख लेना। अरे वरुण, तुम थोड़ा और लो ना, लो। नहीं नहीं बस आंटी। कैसे कार्तिक, तुम्हारी माँ इतनी ओपन माइंडेड है? She is amazing. Yeah, I'm really blessed to have a mother like her. पर शुरुआत काफी होमोफोबिक थी, बाद में मैंने सब समझाया। I'm really glad that she understood. सच कहूँ तो मुझे तुमसे जलन हो रही है कार्तिक, तुम्हारे पेरेंट्स की तरह हर कोई समझ जाए तो कितना अच्छा होगा। By the way, it's not a big deal. तुम्हारी माँ भी जरूर समझ जाएगी, उसके लिए तुम्हें भी होमवर्क करना होगा। वो सब तो मैं कर लूंगा, बट इतने ओपनली मैं गे हूं ये कैसे बोल पाऊंगा? आई एम रियली स्कैर्ड व्हेन आई थिंक अबाउट इट। पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर हर गे को सिर्फ सेक्स की नजर से ही देखते हैं। गेज आर हाईली क्रिएटिव, टैलेंटेड, स्टाइलिश, ये सब उनकी आंखों को नहीं दिखता। आई एम गे, आई एम द क्लास टॉपर, कॉलेज क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ, आई एम अ पीयर काउंसलर, नेशनल चेस प्लेयर। ये मत समझना कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। All I'm saying is, I'm K, doing great, and I'm proud of myself. मेरी सेक्सुअली मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। All that matters to me is that I'm looking a quality life. Great Karthik, I'm really proud of you. Come on, I'm just like you. But I admit, this is a homophobic society. बहुत से स्ट्रेट बॉयज क्या सोचते हैं कि जो गेज होते हैं वो हमें कुछ कर देंगे। सिंपल सी मेरी बात समझना, अभी स्ट्रेट कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ लड़के क्या करते हैं, आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं। कुछ लोग लड़कियों को देखकर सेक्स करने की बात सोचते हैं। कुछ लड़के एक ही लड़की को सीरियसली प्यार करके शादी करते हैं।
और कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल सिंगल रहते हैं। उसी तरह ये गे कम्युनिटी भी है, कई तरह के लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग सब लड़कों को लाइन मारते हैं, कुछ लड़के सब लड़कों को देखकर उससे सेक्स करने की सोचते हैं, उसी को जिंदगी समझते हैं। कुछ लोग एक ही लड़के से सीरियस प्यार करके उसी से रिलेशनशिप रखते हैं, और कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो सिंगल रहते हैं। अब वो चाहे स्ट्रेट कम्युनिटी हो या एलजीबीटी कम्युनिटी हो, हर जगह अच्छे लोग भी रहते हैं और खराब लोग भी रहते हैं। इनमें से बड़ी बात क्या है जानते हो? हम जैसे लड़कों को घर में फोर्स करके, जबरदस्ती शादी कराकर, हमारी लाइफ के साथ साथ उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद करने वाले ना जाने कितने पेरेंट्स हैं, पता है? जस्ट इमेजिन, एक स्ट्रेट लड़के को फोर्स करके उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से करा दो तो उसे कैसा लगेगा? ऐसे ही होता है जब गे रियलाइज हो जाने के बाद एक लड़की की शादी करवाते हैं। अगर तुम सोसाइटी के बारे में सोचोगे तो तुम जी नहीं पाओगे, जैसे हो वैसे ही रहो। सच कह रहे हो कार्तिक, मुझे तुमसे बात करने के बाद सब कुछ समझ आ रहा है। अगर तुम अपने आप को गे एक्सेप्ट करते हो तो पहले अपने फ्रेंड्स को बोलो, उसके बाद अपनी फैमिली से बात करो। तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली ही सोसाइटी है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली ने तुम्हें अपना लिया तो समझो सोसाइटी ने तुम्हें अपना लिया। इज दैट सिंपल एज दैट। मैंने भी ऐसे ही किया। टुडे आई एम ओपन टू एवरीवन। आज मैं बहुत खुश हूं। अगर तुम अपने आप को गे एक्सेप्ट करते हो तो पहले अपने फ्रेंड्स को बोलो, उसके बाद अपनी फैमिली से बात करो। तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली ही सोसाइटी है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली ने तुम्हें अपना लिया तो समझो सोसाइटी ने तुम्हें अपना लिया। इज दैट सिंपल एज दैट।